नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नॉन कन्फर्मिटीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं जेड टेबल को यूज करके। दोस्तों, जो भी नंबर या जो भी ऑब्जर्वेशन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कर्व के अंतर्गत आता है, हम उसमें से देख करके स्पेशली देख करके परसेंटेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज निकाल सकते हैं, जिससे हमें यह पता चल सकता है कि आने वाले समय में मेरा कितना नॉन कन्फर्मिटीज प्रोडक्ट बन सकता है। इसके लिए जेड टेबल को यूज किया जाता है, और जेड टेबल के बारे में जो कि आखिरी इस सेक्शन के लास्ट में दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व वो होता है जो कि बेल शेप में होता है, और इस टेबल के उपयोग करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो नॉन कन्फर्मिटीज एरिया है वो किस तरफ है और कितना हो सकता है दोस्तों। और इस स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को यूज करके हम ये प्रायिकता जान सकते हैं कि हमारा जो डाटा है, हमारा जो नॉन कन्फर्मेंस है, इस टेबल के अनुसार कितना हो सकता है, इस प्रायिकता को हम जान सकते हैं। दोस्तों, पर्टिकुलरली हम नॉन कन्फर्मेंस एरिया को प्रोसेस में कितना हो सकता है एस्टिमेट कर सकते हैं इस जेट। दोस्तों, इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कहा जाता है जो कि बेल शेप में होता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए हम हिस्टोग्राम का वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये है अपर स्पेशल लिमिट और ये है लोअर स्पेशल लिमिट। दोस्तों, ये जो भी एरिया, ये एरिया जो अपर स्पेशल लिमिट के बाहर जाएगा वो नॉन कन्फर्मिटीज होगा, और जो एरिया लोअर स्पेशल लिमिट के बाहर होगा वो नॉन कन्फर्मिटीज होगा। तो दोस्तों, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, इस हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन इन दोनों के बीच आना चाहिए, जो इसके बाहर जाएगा वो नॉन कन्फर्मिटीज होगा। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके फार्मूला क्या है। दोस्तों, लोअर स्पेशल लिमिट के रेस्पेक्ट में ZL का वैल्यू होता है LSL माइनस X बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड USL के रेस्पेक्ट में होता है USL माइनस X बार इंटू ST स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों, X बार का मतलब है प्रोसेस मीन, ST है स्टैंडर्ड डेविएशन, USL अपर स्पेशल लिमिट और LSL इज लोअर स्पेशल लिमिट। आओ दोस्तों, हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि परसेंटेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी निकालते हैं किस तरह से निकाला जाता है। दोस्तों, ये मीन जो कि x का वैल्यू है, x बार का वैल्यू है, और ST स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया हुआ है, और ये हमारा बेल शेप है, और हमारा जो डायमेंशन है, जो रिक्वायरमेंट डायमेंशन है, जो कि LSL और USL के बीच में होगा वो है 1.6 प्लस माइनस 0.1। तो दोस्तों, जो भी डायमेंशन या जो भी प्रोडक्ट का डायमेंशन इससे बाहर होगा, चाहे वो अपर साइड हो चाहे वो लोअर साइड हो, वो आपका नॉन कन्फर्मेंस होगा। तो दोस्तों, आइए हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला ZL और ZU, अपर साइड और लोअर साइड। तो दोस्तों, लोअर स्पेशल लिमिट है हमारा 1.50 और x बार है 1.58 और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.42 दिया हुआ है। तो हमारा जेड लोअर साइड का वैल्यू आया 1.90, वैसे ही जेड अपर साइड का वैल्यू आया 2.86। तो दोस्तों, इस वैल्यू को लेकर हम जेड टेबल में इसे चेक करेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। तो चेक करने पर हमें 1.90 का वैल्यू मिला 2.87 और 2.86 का वैल्यू मिला
0.0021। तो दोस्तों हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.87 प्लस 3.08, यानी कि टोटल नॉन कन्फर्मेंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3.08% है, जो कि काफी ज्यादा आज के इसमें हाई है माना जाता है। दोस्तों ये जेड टेबल इसे कहते हैं, यहाँ जेड का वैल्यू होता है, उसमें कितना एरिया है वो डिफाइन होता है। दोस्तों ये जेड का वैल्यू 0 से लेकर 0.79 तक है, वैसे ही ये कंटिन्यू आगे बढ़ता गया, यहाँ 0.80 से लेकर 1.59 तक है कि जेड का वैल्यू कितना होगा, तो कितना एरिया हमारा नॉन कन्फर्मेंस हो सकता है। वैसे दोस्तों हमारा जो 1.90 आया था, 1.90 का वैल्यू देखिए, हमें माइनस नहीं लेना है, हमें 1.90 लेना है, इसमें माइनस हम कंसीडर नहीं करते। तो 1.90 में देखिए वैल्यू 0.0287 आ रहा है, और वैसे ही आपका 2.86 में वैल्यू आ रहा है 0.00211। तो इसमें ये जो वैल्यू आया है, ये एरिया आया है, अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए ये दोनों साइड का जैसे कि ये Z1 मान लीजिए और इसे Z2 मान लीजिए, तो टोटल निकालने के लिए हमें Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हम परसेंटेज में निकालेंगे तो वो हमारा 3.08% आ रहा था, मतलब 3% हमारा रिजेक्शन लेवल है। दोस्तों ये जेड वैल्यू यहाँ पर जेड का जो है 6 तक है, और जो एरिया दिखाया गया है जेड वैल्यू 6 तक। हम इस टेबल को रिफर करके परसेंटेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कृपया लाइक कमेंट जरूर करें, और फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।